पति पत्नी के बीच समर्पण, प्यार और अटूट विश्वास का त्योहार करवा चौथ इस वर्ष 4 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन महिलाएं ये व्रत अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं जन्म जन्मांतर तक पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए मंगल कामना करती हैं। करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन व चौथ यानी प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना बेहद शुभ माना गया है और इसी से रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। नारद पुराण के अनुसार महिलाएं 16 श्रृंगार कर सायंकाल में भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का विधिपूर्वक पूजन करते हुए नैवेद्य अर्पित करें। अर्पण के समय ये कहना चाहिए कि भगवान कपर्दी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो और रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करके ये मंत्र पढ़ते हुए अर्क दें। मंत्र है सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोतम मम पूर्वकृतम पापम औषधीश श्रमस्म में, अर्थात मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मण में श्रेष्ठ सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें, मेरे परिवार में सुख शांति का वास रहे। माँ पार्वती उन सभी महिलाओं को सदा सुहागन होने का वरदान देती हैं, जो पूर्णतः समर्पण और श्रद्धा विश्वास के साथ ये व्रत करती हैं। पति को भी चाहिए कि पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण भाव के बिना ये व्रत अधूरा है। महाभारत में भी एक प्रसंग है जिसके अनुसार पांडवों पर आए संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुझाव से द्रौपदी ने भी करवा चौथ का पावन व्रत किया था। इसके बाद ही पांडव युद्ध में विजय रहे। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार इस व्रत का एक पक्ष ये भी है कि जो भी पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, चंद्रमा की किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा कर महिलाएं ये कामना करती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने प्रियतम का वियोग न सहना पड़े।